सुपौल में सशस्त्र सीमा बल रिंग रोड प्रशिक्षण केंद्र के प्रथम बैच के 355 एसएसबी जवानों का भव्य कार्यक्रम के बीच पासिंग आउट परेड कराई गई। बीते कई दिनों से इंडो नेपाल बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुपौल में सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था। इस प्रशिक्षण केंद्र से प्रथम बैच के रूप में 355 जवान सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने के बाद पासिंग आउट परेड कराई गई, जिसके बाद अब एसएसबी जवान बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार है। बीते दिनों परेड ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आईजी और डीआईजी समेत कमांडेंट मौजूद थे। बतौर मुख्य अतिथि आईजी संजय कुमार ने परेड की सलामी ली और डीआईजी राजीव राणा ने जवानों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षित एसएसबी जवानों को भारत नेपाल और भारत भूटान के सरहदी इलाके सहित देश के आतंकवाद एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाएगा। कोरोना काल के विपरीत परिस्थिति में 24 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद देश सेवा सुरक्षा बंधुत्व की भावना के साथ एसएसबी के 355 जवान देश की सेवा की शपथ लिए। वहीं प्रशिक्षण केंद्र के भव्य परेड के साथ इन नौजवानों ने पासिंग परेड में दर्शकों का मन मोह लिया। पासिंग आउट से देश को मिले 355 एसएसबी जवान भारत के विभिन्न राज्यों से हैं, जिनमें सबसे ज्यादा राजस्थान के 118, बिहार से 90, उत्तर प्रदेश के 63, असम से 2, झारखंड से 6, हिमाचल से 16, मध्य प्रदेश से 2, उत्तराखंड से 18 जवान शामिल हैं। ये पहला पासिंग आउट परेड है बीआरटीसी के। हमारे कुल 355 जवान थे, ये पूरे भारत से अलग अलग विभिन्न जगह से आए हुए, तो इनका टोटल जो ये पासिंग आउट का इनका जो कोर्स रहा, ये पूरा बैच जो है 6 महीना तक यहाँ ट्रेनिंग किए, इसके बाद आज पासिंग आउट करके निकल रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में भी कितना मुश्किल हुआ यहाँ पर ट्रेनिंग कराना? हाँ, काफ़ी, क्योंकि नया ट्रेनिंग सेंटर है, सब कुछ हम लोग को बनाना पड़ रहा है और ग्राउंड की कमी थी, हम लोगों ने ग्राउंड बनाया यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर फिर COVID-19 के चलते हमारे पास में एकोमोडेशन की भी कमी थी, उसको भी हम लोगों ने मैनेज किया है। सोशल डिस्टेंसिंग आपने परेड में भी देखा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग किया हुआ है। बहुत परिश्रम तो करना पड़ा, लेकिन वी हैव मैनेज्ड।